भारत माता और देवर्षि नारद के चरणों में वंदन करते हुए इस सदन में उपस्थित सभी प्रगल्भ और नारद परंपरा के वाहक ऐसे बंधुओं बहनों, दूर से हम जिनके दर्शन करते रहे ऐसे दूरदर्शन पर अपनी धूम मचाने वाले भाई शिवाक्तव जी, इस नारद जयंती के कार्यक्रम की परंपरा को खंडित नहीं होने देने का संकल्प लेकर के न्यास ने भले ही विलंबित हो किंतु देवर्षि नारद और उनके माध्यम से वर्तमान सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसमें मीडिया की भूमिका, इस विषय पर एक सुंदर परिसंवाद का आयोजन किया और प्रतीक रूप में उसके अध्यक्ष मंच पर विराजमान आदरणीय लक्ष्मेंद्र जी, एक श्रेष्ठ वक्ता के बाद में बोलना थोड़ा कठिन होता है और वह भी वक्ता जो मैदान जंग में तलवारें भांज रहा हो और लगातार लोहा लेकर के अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी पत्रकारिता के कौशल से इस पुनर्जागरण का जो आंदोलन है उसमें एक कुशल योद्धा के रूप में हम सबके बीच में सम्मानित हो। उनके बाद में एक सामान्य से कार्यकर्ता में तो परिस्थिति या सौभाग्य कह लीजिए कि संघ में कार्य करते करते और स्वदेश और प्रचार विभाग के दायित्व के कारण से पत्रकारिता का एक विद्यार्थी आज भी अपने आप को समझता हूं और उस रूप में कुछ बातें यहाँ कहने का जैसा कि योजना है, मुझे लगता है कि एक सीमित समय में मैं कुछ विचार यहाँ रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। हमारी संस्कृति में कुछ शब्द इस प्रकार के रूढ़ है जिसमें एक व्यक्ति के नाम से ही बहुत सारे गुणों का प्रगटीकरण हो जाता है। सत्यवादी कोई व्यक्ति है तो हरिश्चंद्र कहना पर्याप्त है, कोई अपना दृढ़ प्रतिज्ञ है तो भीष्म कहना, कोई माता पिता की सेवा में लगा रहता है तो श्रवण कुमार हम उसको कहते हैं। और जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा, यह सही है कि कुछ शब्दों के जैसे सकारात्मक अर्थ रूढ़ है उसी प्रकार से कुछ शब्दों के अर्थ जो लगातार एक सांस्कृतिक शरण का दौर चला उसमें विपरीत अर्थों में भी लिए जाते रहे, उसमें देवर्षि नारद का नाम भी वह है जो कलह कराने वाला है, ऐसी एक धारणा, ऐसा एक विमर्श नैरेटिव लगातार बना रहा। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि उस विमर्श को बदलने का काम हम सब ने मिलकर के किया है। जब प्रचार विभाग के कार्यकर्ता के रूप में देवर्षि नारद जयंती मनाने का विषय लेकर के हम लोग मीडिया के बंधुओं के बीच में जाते थे तो वहां पर उपहास मिलता था क्योंकि मीडिया के जो बंधु हैं, बहने हैं, वो भी इस समाज का ही एक अंग है। निश्चित रूप से समाज का एक विशिष्ट वर्ग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चौथा स्तंभ होने के नाते उनकी एक अलग उपस्थिति को सम्मान के साथ में नोट किया जाता है, दर्ज किया जाता है, किंतु व्यापक अर्थों में हम देखें तो उसी समाज से आते हैं, वहीं से लिखते पढ़ते बोलते हैं सुनते हैं और उसके कारण से एक जो छवि देवर्षि नारद को लेकर के थी उसको बदल करके एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम प्रारंभ हुआ। और आज हम देखते हैं कि पिछले 30 वर्षों में 25 वर्षों में इस कार्यक्रम को होते होते आज अधिकांश प्रतिष्ठित पत्रकारों संपादकों की टेबल पर हमको देवर्षि नारद का चित्र देखने को मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने उस आदि पुरुष को पहचाना है जिन्होंने संवाहक के रूप में इस प्रकृति में, ऐसा मान सकते हैं कि सबसे पहले सूचनाओं का आदान प्रदान और वह भी समाज के हित के लिए, जिस प्रकार से गीता में कहा गया है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम, उस भाव को पोषण करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान देवर्षि नारद ने किया। आचार्य विष्णु के रूप में उनका स्मरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है और उसका भी अर्थ हम ढूंढेंगे तो वही है कि वह संचारक है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला है। तो ऐसे उन विवर्षी
नारद के नाम को उनके कृतित्व के अनुरूप सम्मान देने के लिए हम सब लोग उस नाम की प्रतिष्ठा को और उस नाम के माध्यम से अपनी संस्कृति की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए हम सब लोग केवल एक कार्यक्रम के निमित्त ही नहीं वरन पूरे वर्ष भर उस परंपरा के अनुरूप हम अपना आचरण अपना जीवन अपनी पत्रकारिता कर पाए उसके लिए काम करते हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसकी बात की गई है वह हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति होने के नाते उसके अनेक दौर अनेक उत्थान और पतन चलते रहे हैं। पूर्व में भी सैकड़ों वर्ष पहले भी भारत की संस्कृति की ध्वजा को लेकर के उठकर खड़े होने के कार्य हुए और जो विपरीत शक्तियां थी उनके द्वारा उस जागरण को कुचलने का प्रयास भी चला। हम ये कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उस दौर में बड़े हो रहे हैं, समाज में अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें वह सांस्कृतिक जागरण की यात्रा जो है एक सफलता प्राप्त करते हुए हमको दिखाई देती है। एक लंबी दास्ता रही और यदि हम हाल के वर्षों में जाते हैं तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत में फिर से एक बार उठकर के खड़े होने का जो तत्व जो जज्बा पैदा हुआ उसकी परिणति 1947 में स्वतंत्रता के रूप में हुई। पर उस स्वतंत्रता को स्वाधीनता में बदलने का आंदोलन अभी भी चल रहा है, हम सब लोग उसके साक्षी हैं, क्योंकि वह जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई जिनसे हमको प्राप्त हुई उन्होंने बहुत कुटिलता पूर्वक बहुत षड्यंत्र पूर्वक इस बात का प्रयास किया कि यह जो भारत जो वास्तव में उनके लिए एक शोषण भूमि था, पशुओं के लिए जिस प्रकार से चारागाह होता है ग्रेजिंग ग्राउंड होता है उसी प्रकार से भारत का शोषण हम अनवरत कैसे कर सकते हैं सैन्य बल से बुद्धि बल से कुटिलता से उसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे। इसमें जो उदाहरण चार्ल्स ट्रेवेलियन नामक विद्वान जो ब्रिटिश थे उनका आता है 1854 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि भारत में हमारी सत्ता कायम हो गई है परंतु वास्तव में वहां का समाज हमको स्वीकार नहीं करता। जो दो प्रमुख समाज जो दो प्रमुख धर्मावलंबी भारत में है उसमें से हिंदू हमको इसलिए अपना नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है कि हमने उनकी परंपराओं को खंडित किया है, उनके सनातन मूल्यों के विरुद्ध काम करने वाली शक्ति है। और जो मुस्लिम समाज है उसके मन में यह धारणा है कि हम यहाँ के शासक थे और हमको हटा करके हमको पराजित करके अंग्रेज यहाँ पर आए इसलिए हमको वापस इनसे अपनी सत्ता प्राप्त करनी है। और इसलिए दोनों बहुसंख्यक जो मूल समाज वहां पर बड़ी संख्या में है उनका विरोध लेकर के हम यदि वहां पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते इसलिए वहां की शिक्षा हमको इस प्रकार से करनी पड़ेगी, इस प्रकार से परिवर्तन उसमें लाने पड़ेंगे जिससे कि वह समाज हमारा ऋणी बना रहे। और हम जानते हैं कि अपने उस षड्यंत्र में वो सफल रहे, भारत को इस प्रकार से मानसिक गुलाम उन्होंने बनाया जिसकी तुलना मैं किसी अच्छे तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पर किसी कुटिल शल्य चिकित्सक से करना चाहता हूं जो किसी मरीज को बेहोश करके एनेस्थिया देशक दे करके और एनेस्थेशिया का मैंने हिंदी में जो अर्थ मराठी में तो उसके लिए भूल है और हिंदी में भी उसके लिए बड़ा रोचक अर्थ है कि कुल मिलाकर के संज्ञा हरण करने वाला जो एक तंत्र होता है वह तंत्र का उपयोग करके इस प्रकार से मरीज के अंगों को खोखला कर दिया जाए। वह षड्यंत्र जो अंग्रेजों ने किया था उस एनेस्थीसिया के गहरे डोज से निकलते निकलते आज भी बहुत सारे विद्वान उसमें बाहर निकलने में असमर्थ है ऐसा हम पाते। बाहर जाकर के इस देश को नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं कि हम आपके ऋणी है क्योंकि आपने हमको विज्ञान दिया, आपने हमको संस्कृति दी, आपने हमको खान पान का ढंग सिखाया। तो गुलामी का एक गहरा दंश जो भारत के बौद्धिक जगत में अंग्रेज कुटिलता पूर्वक उसको रोक करके गए थे उसमें से आज हम निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और वो कोशिशें आज सफल होती हुई दिखाई देती है। और उन कोशिशों को यदि स्थायी करना है तो उसका एक निदान यही है कि कुल मिलाकर के जब तक संपूर्ण समाज का मानस उस प्रकार का नहीं बनता चाहे वो पत्रकार हो या और कोई भी समाज का अंग हो तब तक
यह परिवर्तन स्थायी और टिकाऊ चिरकाल तक चलने वाला नहीं हो सकता। और इसलिए समाज परिवर्तन, समाज का मानस परिवर्तन, यह एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी, उनके जीवन में प्रसंग आता है जब संघ का कार्य प्रारंभ किया 1925 में, उसके पहले से इस बात को लेकर के एक मंथन था कि इस देश में यह पतन बार बार क्यों होता है और इसलिए उसका स्थायी निदान क्या हो। तो उसका उल्लेख इतिहास में हम जाते हैं तो आता है कि 1911 में जब डॉक्टर जी की कलकत्ता में, और हम जानते हैं कि कलकत्ता में वो रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े थे, जब वो चिकित्सा के विद्यार्थी थे, तो उस समय बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी त्रिलोक्यनाथ चतुर्वेदी के चक्रवर्ती जी से उन्होंने ये कहा था कि सब लोगों ने अपना अपना काम तय कर लिया है। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग आयामों में चलता था, कोई गरम दल, कोई नरम दल, कोई अन्य समाज सुधार के काम, किंतु इस समाज को एक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि समाज किस प्रकार से एकजुट होकर के और अपने ऊपर आने वाले हमलों का, अपने समक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़े, उसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यह कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। और यह बात केवल डॉक्टर हेडगेवार जी ने कही थी तो ऐसा नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन में जिनका बहुत सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है, मानवेंद्र राय जी, उनके अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो उनकी पुस्तक रेडिकल ह्यूमैनिटिज्म है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि समाज के सामान्य व्यक्ति की सोच में परिवर्तन किए बिना भारत को आगे बढ़ना मुश्किल है। और सामान्य व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करने का यह जो मार्ग है, ये कोई कठिन, बहुत आसान मार्ग नहीं है, बहुत दुष्कर है, लंबा है, उसके लिए वर्षों प्रयास करना पड़ेगा, पर उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और यदि हम शॉर्टकट के जाएंगे तो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। तो इस प्रकार से जो मनीषी भारत के हित में सोचते थे, उन सब का मानस यह है कि जब तक समाज का, संपूर्ण समाज का मानस नहीं बदलेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व देश के प्रति नहीं समझेगा, तब तक हम जो भारत का पुनरुत्थान देखना चाहते हैं, भारत का सांस्कृतिक जागरण देखना चाहते हैं, वो आंदोलन हमारा सफल नहीं हो सकता। अभी जैसा उल्लेख आया कि राम मंदिर आंदोलन को हम एक प्रतीक मानते हैं कि एक परिवर्तन का, जागरूकता का, भारत के स्व को जगाने का एक आंदोलन था। और उस आंदोलन को मीडिया ने किस प्रकार से लांछित किया, उसको छोटा करके दिखाया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पूरा समाज उसके साथ में जुड़ गया था, और बारंबार ये कहना आवश्यक है कि हम मीडिया के लोग भी उसी समाज से आते हैं, हमारे बच्चे भी उसी समाज में रहते हैं, वहां की समस्याओं से दो चार होते हैं, और हम भी उसी समाज का अंग होने के नाते उस छल को या उस आंदोलन को कमजोर करने के दुष्प्रयत्नों के बावजूद यह आंदोलन तेजी से बढ़ा। भारत के मूल समाज ने अपनी ताकत को पहचाना और आज अनेकानेक क्षेत्रों में उस प्रकार का जागरण हमको दिखाई देता है। और इसलिए एक और जब हम हर्षित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, तो कई बार पढ़ते लिखते रहने के कारण से आप सब, चूंकि हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, समाज की परिस्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो मुझे इस प्रसंग, इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं दो तीन चार बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, और जो मीडिया के सहित संपूर्ण समाज पर और वह विचार का विषय बने उस पर समाज चिंतन करे, इसकी आवश्यकता मुझे लगती है। संपूर्ण समाज के प्रशिक्षण की जो बात की गई है, पूरे समाज के प्रबोधन की जो बात की गई है, वास्तव में आज हम देखते हैं कि उसका एक अंश मात्र होने से एक बड़ा परिवर्तन आज दिखाई देता है। आज दुनिया में भारत के जो जीवन मूल्य है उनको लेकर के एक प्रतिष्ठा है, पूरे विश्व में भारतीय होने का गर्व है। अनेकानेक देशों के चुनाव में हम पढ़ते हैं कि भारतवंशी वहां पर बहुत सफलता के साथ में चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति एक लोगों के देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। भारत एक महाशक्ति के रूप में खड़ा होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, जीवन मूल्यों के विषय हो, उन सब विषयों में भारत की जो प्रगति है वह निश्चित रूप से बहुत कीमती है, और उस प्रगति को टिकाए रखना, उस आंदोलन को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देना, ये आज के समय की बड़ी आवश्यकता है।
और इसलिए एक और जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उसमें मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से इन मूल्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और साथ ही साथ जो चुनौतियां हैं जिनका शायद हमको अभी कई बार ऐसा होता है कि हम विजय के आनंद में या सब कुछ अच्छा देखने के भ्रम में रहने के कारण से अपने आसपास की घट रही चीजों को देखने में भूल करते हैं। प्रिंट मीडिया के विषय में कहा और मैं भी बात करूं प्रिंट मीडिया का एक विद्यार्थी होने के नाते कई बार बहुत अच्छे आलेख छपते हैं। मैं संयोग से अभी विजय मनोहर जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे पुस्तक दी और मैं सौभाग्यशाली हूँ उसको मैं पढ़ करके अभी चला आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कई सारी बातें उसमें से देखने को और सीखने को मिली। शायद उनके वो नालेखों को मैं अलग अलग नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन किस प्रकार से भारत का सांस्कृतिक गौरव पूरे विश्व को चमत्कृत करने की ताकत रखता है, लेकिन उस सांस्कृतिक गौरव को सामने रखने वाला माध्यम जिनको ये कार्य करना चाहिए वो वास्तव में क्या वो कर पा रहे हैं, चाहे वो पुरातत्व का विषय हो, भारत की संपदा का विषय हो, भारत के धर्म स्थलों का सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो योगदान रहा है। तो उन आलेखों को पढ़ करके जो स्फुट विचार समय समय पर पढ़ते थे देखते थे आज एक पुस्तक के रूप में थे उसको पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसका उल्लेख करना और उनके प्रति मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी जो कि एक नालंदा का विषय विश्वविद्यालय का अभी चला था उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए और प्रयास चल रहा है, हम सब ने भी पढ़ाई होगा, लेकिन उस पुस्तक के संदर्भ देते हुए मैं कहता हूँ कि उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वह जो आक्रांता था उस बख्तियार खिलजी ने वहां जो विशाल ज्ञान भंडार था हजारों पुस्तकें थी उस और इसके हाथ में एक पुस्तक थी, उसने प्रश्न किया कि इन सब पुस्तकों में क्या ऐसी कोई बात है जो मेरी इस किताब में नहीं है, और यदि ऐसी कोई बात भी है तो भी और है तो भी तो इस एक किताब के अलावा किसी किताब को होने की आवश्यकता क्या है, और इसलिए उस ज्ञान भंडार को आपकी लपटों में समर्पित कर दिया गया। उन पुस्तकों से जो ज्ञान अर्जित करने वाले हजारों विद्वान थे, उनके शिक्षक थे, उनके सबको वहां उनके सर कलम कर दिए गए। हम सब उस इतिहास को पढ़कर के रोते हैं, लेकिन हमारे मन में प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता कि यदि ये सब चल रहा था तो बख्तियार खिलजी के साथ में कितनी सेना होगी, 5,000, 10,000, 20,000, भारत की जनसंख्या तो उस समय भी करोड़ों में थी, तो इस देश का सामान्य नागरिक उठ करके खड़ा क्यों नहीं हुआ, उस समय प्रतिकार क्यों नहीं किया, और ऐसे प्रश्न आज के समय में भी अलग अलग शक्लों में अलग अलग रूपों में हमारे आसपास है, और सामान्य जन सहित मीडिया यदि इन प्रश्नों को समाज के बातों में मीडिया की जिम्मेदारी बड़ी इसलिए है क्योंकि समाज के सामने वो सत्य लाना, सत्य सामने आएगा तब समाज की प्रतिक्रिया खड़ी होगी, समाज को जागरूक करना ये बुद्धिजीवियों का मीडिया का विचारकों का काम होता है, और उन विचारों के माध्यम से जैसा मानवेंद्र नाथ जी ने भी कहा या डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा कि सामान्य व्यक्ति जब उन विचारों के प्रकाश में अपनी जीवनचर्या निर्धारित करता है तब फिर समाज का आंदोलन समाज का परिवर्तन खड़ा होता है, जैसा राम जन्मभूमि आंदोलन में खड़ा हुआ, और इसलिए हमारी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए, एक प्रकार तो विचारधाराओं के संघर्ष का है जो मीडिया में छद्म रूप से आकर के हम सबको प्रभावित करता है, ऐसे राष्ट्रीय विचारों को वह हतोत्साहित करता है, उसकी अवमानना करता है, उसकी उपेक्षा करता है, उपहास करता है, पर दूसरी ओर हमारे अपने प्रश्न भी तो है जिनका उत्तर कोई बाहरी ताकत नहीं देगी, वह उत्तर तो हमको ही देना पड़ेगा, और इसलिए अपने आसपास जो घट रहा है, एक ऐसा राष्ट्र जिसके बारे में हम कहते हैं नारद मुनि जिन्होंने संकल्प लिया था कि सारे विनाशाय थे दुष्कृताम, भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है और सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए, तो वास्तव में उसके लिए समाज सन्नत है या नहीं। वह भारत जो एक समय में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर सोने की चिड़िया है, दरवाजे खुले खड़पड़े रहते हैं, एक विद्वान विदेशी यात्री था उसका नाम शायद यहाँ बहुत सारे विद्वान लोगों में बता पाएंगे और मुझे वो नाम स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उसने भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर के अपने देश में जाकर के बताया कि मैं एक राजा के दरबार में गया और वहां मुकदमा किस बात का चल रहा था कि जमीन का सौदा हुआ है, खेत का सौदा हुआ है, और जिसने खेत खरीदा है जब उसने उस खेत की खुदाई की तो उसमें एक स्वर्ण कलश मिला है, और वो स्वर्ण कलश लेकर के जिससे खरीदा है उसको लेने के लिए गया, भाई मैंने तो खेती की जमीन खरीदी थी, ये खजाना तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों का, ये तुम वापिस हट लो, और जिसने बेचा है वो कह रहा है कि भैया मैंने तो तुमको जमीन बेच दी, उसका मूल्य ले लिया, उसके नीचे क्या था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और यह विवाद राजा के
दरबार में न्याय के लिए जाता, ऐसा भारत उसने देखा। और आज हम भारत कैसा देख रहे हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए भाई भाई के साथ में लड़ जाता है। मैंने पहले भी उल्लेख किया था, अभी ग्वालियर के पास में मुरैना है, वहां पर एक दो भाइयों की जमीन के बीच में कुछ सरकारी जमीन है, शायद 10-11 बसवा है, लेकिन उस जमीन पर कब्जा किसका हो, इस बात के लिए दोनों भाइयों के परिवारों में 3 लोग जो है वो चिर निद्रा में सुला दिए जाते हैं। तो ऐसे भारत के को लेकर के हम उस साम्राज्य की कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बड़ा बवंडर है, मीडिया के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मीडिया में सामान्यतः एक विद्यार्थी के नाते और आप सब तो विद्वान हैं, हम जानते हैं कि वहां तो सनसनी ही बढ़ी जाती है। जब तक कुछ विपरीत नहीं हो तब तक संपादक भी कहता है कि इसमें क्या खबर है। अब नीट की परीक्षा यदि शांति से हो जाती तो ज्यादा से ज्यादा ये होता कि इतने लाख लोग बैठे या इतने लोग परीक्षा में नहीं आए या परीक्षा देने आए उनको वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो वो खबर आज भी जिंदा है। लेकिन वो पेपर लीक करने वाले, कराने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले वो कौन है? वो कोई विदेशी ताकते हैं क्या? वो कोई विधर्मी है क्या? मैं पढ़ रहा था तो ध्यान में आता है कि इनको मेडिकल में प्रवेश मिल चुका है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉल्वर के रूप में जाएंगे तो 5 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए अपना स्वर्णिम भविष्य अपने माता पिता के सपनों को चौपट करने वाला ये भारत का नौजवान ही तो है ना। और इन सब विषयों को यदि मीडिया ने नहीं उठाया, इन सब विषयों पर सचेत नहीं किया, भारत की जो मूल ताकत थी, यहाँ का जो व्यक्ति था, यहाँ का जो चरित्र था, उस चरित्र को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए इस प्रकार के समाचार को वास्तव में चुनौती है कि उन समाचारों को अधिक पठनीय, अधिक वाचनीय बना करके, अधिक चौंकाने वाला बना करके किस प्रकार से दिया जा सकता है। हम स्व के जागरण की बात करते हैं कि हमको अपना पौरुष जगाना है, हमको रोजगार देने वाला बनना है। मैंने एक समाचार पढ़ा, वास्तव में क्या बोला था क्या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक विधायक को यह कहते हुए कोट किया गया कि वो युवाओं से कह रहा है कि आप पंचर बनाने की दुकान खोल लो। एक प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो कहते हैं कि पकौड़े तलने की दुकान खोलो, और इस प्रकार से वह उनको उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए हतोत्साहित कर रहा है। क्या एक पंचर बनाने वाला भारत का नागरिक नहीं हो सकता क्या? क्या उसकी जरूरत नहीं है? क्या पकौड़े बेच करके धनवान बन करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती? लेकिन इन सब चीजों को दोयम दर्जे का दिखाना, यह जो एक मानसिकता है, जो व्हाइट कॉलर मानसिकता है, वो मानसिकता आज भी मीडिया में इसलिए उस विधायक को इसलिए ट्रोल किया जाता है कि उसने ऐसा कहा कि पंचर बना करके भी रोजगार कमाया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो ऐसी कई विरोधाभासी खबरें होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि इनमें से कई बहुत सारी अच्छी बातें भी इन दिनों आती हैं। कई ऐसे युवाओं के विषय आते हैं जिन्होंने बहुत आकर्षक पैकेज ठुकरा करके, अच्छी नौकरियां ठुकरा करके समाज सेवा के लिए अपना जीवन जिया। कई ऐसे उद्योगपतियों की कहानियां भी अब आने लगी हैं जिन्होंने अपने गांव में जाकर के और वहां पर शिक्षा का, वहां गांव के विकास का मार्ग अपनाया, और उनकी खबरें भी अब मीडिया में आती हैं। जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा कि कुल मिलाकर के निर्भर तो करता है पाठकों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर, कि वो किस प्रकार की चीजें देखना चाहता है। यदि ये चीजें देखी गई, सुनी गई, इनके माध्यम से पत्रकार को प्रशंसा मिली कि हाँ आपने अच्छी बातें लिखी हैं, तो शायद वह जो धारा है वह बदल सकती है, और उसको बदलने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नारद जी को अब जब हम स्मरण कर रहे हैं तो हमको लगता है कि नारद जी की परंपरा में आगे बढ़ते हुए, लेकिन आज वर्तमान में जिन श्रेष्ठ महापुरुषों ने भारत को जगाने के लिए अपना जीवन लगाया, हमारे पूर्वजों ने लगाया, हम सबका भी उसमें योगदान है, और उस विचार प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया में भी जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जो विषय है, जिन विषयों से भारतीय होने का अभिमान जागता है, जिन विषयों के माध्यम से हम एक महाशक्ति भारत की कल्पना कर सकते हैं, उन विषयों को कैसे आगे लाया जा सकता है। और बारंबार ये कहना आवश्यक है कि वास्तव में इस प्रकार की चीजों के पाठक, दर्शक यह जब तक सशक्त नहीं होते, उनका प्रतिसाद यदि नहीं मिलता तो यह कठिनाई है। किंतु अंततः समाज परिवर्तन के बिना, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे मीडिया हो या अन्य विषय हो, सारे समाज में बदलाव लाना यह एक बड़ी कठिन चुनौती है। देवर्षि नारद ने भी इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार किया,
स्वयं का अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस मार्ग को छोड़ा नहीं जो विश्व के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण की दिशा में हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, मानवता को ले जाता है। तो आज देवर्षि नारद को पुनः स्मरण करते हुए उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंग है, आज जो कि पर्याप्त समय भी हो गया इसलिए उसमें न जाए, लेकिन एक पत्रकार जब अपने पत्र से विचलित होता है तो उसको किस प्रकार से शिक्षा मिलती है उसका भी उल्लेख उनके जीवन में आता है, और किस प्रकार से वह अपने जीवन को जोखिम में डाल करके और दो परस्पर विरोधी दुर्विरोधी ताकतों के बीच में भी उसी सम्मान के साथ में, उसी विश्वास के साथ में बैठते हैं, वहां सूचनाएं देते हैं, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो विश्व का कल्याण होता है। और हम इस नारद जयंती को मनाते हैं और इसीलिए कि उस माध्यम से आज की पत्रकारिता में जो बदलाव आया है, निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत है, लेकिन आज भी ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता करने वाले बड़ी संख्या में है और ऐसी संख्या बढ़ रही है, ऐसी संख्या बढ़े यह हमारा लक्ष्य है, और इसलिए इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, और न केवल आयोजनों के माध्यम से वरन छोटे छोटे गोष्ठियों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से उन विचारों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। संघ भी आज समाज में ऐसे ही जो समाज की मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना और समाज को स्थायी रूप से सशक्त बनाना, जिसके कारण से कि किसी भी प्रकार के तात्कालिक छोटे मोटे आघातों से हमारा समाज डगमगाए नहीं, इसलिए इन सब विषयों को लेकर के काम कर रहा है। उसमें अपने स्व का जागरण, अपने पुरुषार्थ का जागरण जो हमारा है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे पास में है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी विरासत हमारे पास में है जिसको हमने उस एनेस्थीसिया के प्रभाव में भुला दिया था। नारद जी को हमने खलनायक मान लिया था, वास्तव में वह एक सृष्टि के कल्याण के लिए काम करने वाले ऐसे महापुरुष थे, ऐसे योगी थे, और ऐसे सभी क्षेत्रों में जो अपने जीवन मूल्यों को पुष्ट करने वाले विषय हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यह जो विमर्शों को बदलने का संघर्ष है, यह संघर्ष अभी अपने निर्णायक दौर पर नहीं है, उसके लिए भी हमको आगे बहुत काम करने की आवश्यकता है, पर यदि हम जीवन काल हमने कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जो है वह वास्तव में बहुत सुखी हो सकेंगी, और न केवल भारत वरन भारत का महाशक्ति होना यह पूरे विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है, क्योंकि विश्व में जब शांति रही, संस्कृति रही, सभ्यता रही तो उसका स्रोत, उसका प्रकाश भारत से ही फैला था। जब भारत का सूर्य बादलों के साये में ढक गया तो हमने देखा उसमें कलह हुई, अशांति हुई, और उन सब कलह को, अशांति को दूर करने के लिए हमको पुनः अपने प्रयासों को गति देनी होगी। मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी देवर्षि नारद के चरणों में वंदन करते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस प्रकार की पत्रकारिता, इस प्रकार का समाज जागरण का कार्य करें, ऐसा कहते हुए आप सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना कथन पूर्ण करता हूँ। वंदे मातरम।